हेलो नमस्कार, संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही पुराना भजन जो मूवी से है उसे मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया। बहुत सारे फॉलोअर्स का रिक्वेस्ट था ये भजन का, तो मैं उसे दो या तीन भाग में पूरा कर रहा हूँ। पहले भाग में मैं आपको बहुत ही सिंपली, बिना रिदम के, बहुत ही धीरे धीरे एक एक लाइन को समझा कर बजा रहा हूँ, और फिर दूसरे में उसके अंतरा को और आगे के चीज़ को बजाऊँगा, और फिर फाइनली रिदम के साथ भी बताऊँगा कि किस तरह उसे गाया जाएगा। और रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो एक तो आपको सबसे पहले पता चल जाता है कि क्या अपलोड किया गया है, और दूसरा बहुत से फ़ायदे आप लाभ ले सकते हैं, चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि इसमें मैं केवल ऐसा नहीं कि मैं भजन रिकॉर्ड करता हूँ या क्लासिकल रिकॉर्ड करता हूँ, जो भी रिकॉर्ड करता हूँ, जो भी समझाता हूँ, मेरा मकसद केवल एक होता है कि आप म्यूज़िक को समझ सकें। ये नहीं कि केवल नकल करते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको हर स्वर को इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ समझाने का ताकि आप स्वर को समझ सकें और म्यूज़िक को समझ सकें। क्योंकि जब आप एक बार म्यूज़िक समझ जाते हैं, स्वर को समझने लगते हैं, उसके ग्रामर को समझने लगते हैं, तो आप खुद से भी बजा पाएंगे गाने को और हर गाने को अपनी क्वालिटी से गा सकेंगे। ये नहीं काफ़ी है कि आप केवल नकल करके गा रहे हैं, बल्कि संगीत को समझना आवश्यक है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप सीरियस हैं सीखने में तो केवल YouTube से नकल ना करें, बल्कि किसी गुरु से सीखें जरूर, अगर सीरियस हैं। बस अगर शौकिया तौर पे अगर थोड़ा बहुत गाना बजाना जानना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा सीरियस हैं, म्यूज़िक को थोड़ा सा अपना करियर बनाना चाहते हैं, करियर के दृष्टिकोण में केवल ये नहीं है कि आप जॉब करना चाहते हैं या कहीं पर परफॉर्म करना चाहते हैं, बल्कि अपने आसपास में भी, जैसे घर पर या मंदिर में या कहीं पर आप थोड़ा बहुत गाना बजाना करते हैं तो आप अच्छा गा सकें, लोगों को अच्छा लगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, है ना। स्वर ही ईश्वर है। अगर आप अच्छे स्वरों में गाते हैं तो परमात्मा भी खुश होता है, ठीक है। तो ध्यान दें और कोशिश करें सीरियसली सीखने का, और जो मैं बजाता हूँ, बताता हूँ आपको, उसे बहुत ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, एक एक शब्द को प्रॉपर तरीके से निकालें, ठीक है। तो आइए इसमें हम आपको देखते हैं। सी शार्प से मैं बजा रहा हूँ इसे। इसमें ये जो है एक तरह से आसावरी का स्वर है, दरबारी का स्वर है, ध नी कोमल है, ग कोमल है, तो ध्यान से देखें, यह है सा कोमल ध से। अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया। फिर से, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया। भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। अब तेरे, बहुत ही धीरे धीरे एक एक शब्द को समझें। अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया।
भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया, अब तेरे सिवा। अंतरा, मेरी खुशी की, मेरी खुशी की दुनिया बाबुल ने छीन ली। फिर से, मेरी खुशी की दुनिया बाबुल ने छीन ली, मेरे सुखों की कलियां कलियां किस्मत ने छीन ली। फिर से एक बार, मेरी खुशी की दुनिया बाबुल ने छीन ली, मेरे सुखों की कलियां किस्मत ने बीन ली, अब तू ही बना लाज, अब तू ही, अब तू ही बचा लाज मेरी, बंसी बजैया, अब तू ही बचा लाज मेरी, बंसी बजैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया, अब तेरे सिवा। दूसरा पैराग्राफ इस तरह से है, पूजा पूजा नहीं है पूरी अधूरी है आरती, पूजा नहीं है पूरी अधूरी है आरती, ओ श्याम सलोने तुझे मेरा पुकारती। फिर से दोनों लाइन, पूजा नहीं है पूरी अधूरी है आरती, ओ श्याम सलोने तुझे मेरा पुकारती, मेरा पुकारती, कहती है बार बार वो ले ले के बलैया। फिर से, कहती है बार बार वो ले ले के बलैया,
भगवान 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 किनारे से लगा दे मेरी नैया, अब तेरे सिवा। एक बार फिर से मैं लास्ट पैराग्राफ को गा रहा हूं। पूजा नहीं है पूरी अधूरी है, अधूरी है आरती, अधूरी है आरती। ओ श्याम सलोने तुझे मेरा पुकारती, कहती है बार बार वो ले ले के बलैया, भगवान 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 किनारे से लगा दे मेरी नैया, अब तेरे सिवा। ठीक है, तो पहले आप हरेक वर्ड्स को हरेक नोट्स के आधार पर अच्छी तरह निकाल लें, और जब आप पूरी तरह उसे याद कर लेते हैं फिर उसे एक फ्लो में गाना शुरू करें। मैं दूसरे पार्ट में इस भजन को फ्लो में होगा तो रिदम के साथ मैं गा करके आपको रिकॉर्ड करके भेजता हूं, ताकि आप उसे अच्छी तरह समझ सकें कि इसे किस तरह गाया जाएगा। ठीक है, बस एक बात बार बार मैं कहता हूं, हर शब्द को 10-10 बार 20-20 बार अच्छी तरह पहले देखें, कौन सा स्वर किन किन नोटों पर है, किन किन स्वरों पर बैठा हुआ है और किस तरह गाया गया है, और बार बार जब आप उसे प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद एक फ्लो में जब आप गाते हैं तो वो ताल में सुर में सही होगा। क्योंकि मैं पहले भी बोला हूं और बार बार कहता हूं कि जब बहुत बार मैं ऐसा देखा हूं कि स्टूडेंट लोग भजन निकालते तो हैं लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में निकालते हैं कि उनका ना तो लय बैठता है सही, ना स्वर जो है सही तरीके से लगता है, बस वो रफली पूरे भजन को गाते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, ना तो आपको संतुष्टि मिलेगी और ना ही आप कहीं पर प्रस्तुत करने के लायक बन पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार ये सलाह दूंगा कि बहुत ही धीरे से, धैर्य से, पेशेंस से आप इसको प्रैक्टिस करें, एक एक शब्द को, स्वरों को, और उसके बाद जब मैं सेकंड पार्ट डालूंगा उसे भी आप सुने ध्यान से और देखें किस तरह उसे ताल के साथ परफेक्शन के साथ गाया जा रहा है, और उस तरह देखें आपकी पूरा कर पाए हैं या नहीं। ठीक है, और जब तक वो पूरा उस तरह से नहीं होता है प्रैक्टिस करते रहें समझने की कोशिश करें उसे। ठीक है, फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ध्यान रखें सब्सक्राइब करना, लाइक बटन और कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स करते हैं, लाइक्स देते हैं, तो उसे देख करके मन में बहुत ही उत्साह बढ़ता है, लगता है कि नहीं हमें सिखाना चाहिए लोगों को, लोगों को आनंद तो आ रहा है, लोग सीख तो पा रहे हैं, है ना। तो आप सीख रहे हैं या नहीं, आपको लाभ होता है या नहीं, वो आपके कमेंट्स के द्वारा पता चलता है। तो निश्चित रूप से आप अपना कमेंट्स और लाइक्स बटन ज़रूर दबाया करें ताकि हमें काम करने में और मन लगे। ठीक है, फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।